हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फोसिस और विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इन दोनों ही स्टॉक में आपको कॉन्टिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है और दोनों ही स्टॉक अपने 52 वीक लो पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आने वाले 4 से 5 महीने में रिकवरी के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैं आगे आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाने वाला हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और हम इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि रिटर्न्स तो अभी कम चांसेस नज़र आते हैं, तो हमें इसमें डिविडेंड और बोनस किस स्टॉक में पहले मिल सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम निवेश करें। और बाकी अगर आपको प्रॉपर केस स्टडीज वीडियो चाहिए इन प्रॉपर स्टॉक्स पे, ISETC, IRFC, यस बैंक, तो आप मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1400 रुपये के लेवल से भी नीचे के लेवल पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और ये शेयर एक ऐसा शेयर था जो आपको 1900-2000 के बीच में ट्रेड करते हुए नज़र आता था, यानी कि एक काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कम लेवल पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे फ्राइडे का सिनेरियो, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे पिछले 6 महीने के बारे में बताऊं तो करीबन 23% यानी कि 23% का करेक्शन आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल गया है। यानी आप देख पा रहे हो कि शेयर पिछले 6 महीने में कितना ज़्यादा करेक्ट हो गया है। अब ये भी आपको पता ही है कि इसमें केवल इस पर्टिकुलर स्टॉक की कोई भी दिक्कत नहीं है, ओवरऑल शेयर मार्केट ही बिल्कुल यहाँ पे नीचे आते हुए नज़र आ रहा है और सेंसेक्स भी अपने पिछले 1 साल पुराने लेवल पर पहुँचता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से ये सिनेरियो बने हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपको सबसे पहले बायबैक का सिनेरियो दिखाता हूँ कि बायबैक के चांसेस कितने हैं। डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाल ही में इन्फोसिस लिमिटेड में पिछले तीन बारी आपको बायबैक देखने को मिला है। एक है 2017 में, एक है 2019 में और एक है 2021 में। 3 बारी आपको यहाँ पे बायबैक देखने को मिला है, यानी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से जो स्टॉक्स हैं वो वापस लिए हैं एट अ सर्टेन पर्टिकुलर प्राइस पर। यहाँ पे आप प्राइस लेवल भी देख पा रहे होंगे 1150, 747 और 1750। तो ये सर्टेन प्राइसेस निकल के आ रहे थे जिस पे कंपनी ने यहाँ पे आपको जो 3 साल हैं इसमें देखने को मिल रहे हैं कि बायबैक किया था। अब जैसे कि 2021 में ही बायबैक आया हुआ है, चांसेस यहाँ से जो निकल के आते हैं कि 2022 में आपको कोई भी बायबैक देखने को नहीं मिलेगा। 90% चांसेस तो ऐसे ही निकल के आते हैं। और 90% क्या, मैं यहाँ पे 100% भी अगर बोलूँ तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है वो बहुत ही नीचे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और बायबैक आएगा और ज़्यादा नीचे प्राइस पर, तो डेफिनेटली अभी कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली है। जब तक इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से कोई भी बायबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा एटलीस्ट। तो मैंने बायबैक का सिनेरियो आपको इन्फोसिस का बताया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बोनस और डिविडेंड की क्या हिस्ट्री रही है, वो भी हम यहाँ पे एक बारी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1994 से लेके 2018 तक का डेटा देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली बोनस और स्प्लिट का डेटा देखने को मिल रहा है कि टाइम टू टाइम जो इन्फोसिस है वो अपने शेयर होल्डर को बोनस भी देते हुए आई है। और जब भी शेयर प्राइस एक अपर लेवल पे गया है वहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया है ताकि उसमें लिक्विडिटी भी बनी रहे। और आप रेशियो भी देख पा रहे होंगे कि डिसेंट रेशियो में ही हमेशा यहाँ पे बोनस और स्प्लिट देखने को मिला है। अब जैसे कि 2018 तक का डेटा है, यहाँ पे आपको 2022 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग सिनारियो बनता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको कोई बोनस या फिर स्प्लिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हालत है वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो बोनस और स्प्लिट जैसा सिनेरियो बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर आपने काफ़ी टाइम से इन्फोसिस का शेयर लिया होता तो आपके पास डिविडेंड कितना हो गया होता। तो डेफिनेटली इस बार के क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर प्रॉफिट अच्छा आ जाता है, ग्रो कर जाती है कंपनी, तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बोनस स्प्लिट और बायबैक की एक्सपेक्टेशंस कम नज़र आती है। तो मैंने यहाँ पे आपको इन्फोसिस के बारे में प्रॉपर चीज़ें बता दी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में।
विप्रो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 400 के लेवल पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और चांसेस ये हैं कि अगर मार्केट की हालत यही रही तो आपको 380 रुपये तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि विप्रो जैसी कंपनी के हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे पिछले 6 महीने की हालत तो इन्फोसिस से भी खराब देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो इन्फोसिस से भी कई ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें तो आपको बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिल गया है, और यहाँ पे करीबन करीबन अपने आधे प्राइस पर शेयर जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब डेस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव सिनेरियो, हम ये भी बात को डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कंपनी यहाँ पे एक ग्लोबल कंपनी की तरह नज़र आती है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये भी अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन देते हुए नज़र आई है। इसकी भी एक हिस्ट्री पर अगर हम नज़र डालें तो सामने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर चार्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किस किस रेशियो में कब कब कंपनी ने जो बोनस और स्प्लिट है वो दिया है। 2019 में भी 1:3 का आपको यहाँ पे जो कंपनी है वो बोनस देते हुए नज़र आई थी। अब जिस अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस ऑलरेडी आ गया है, तो मेरे ख्याल से स्प्लिट और बोनस के चांसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं आने वाले 2 क्वार्टर्स में, क्योंकि शेयर का प्राइस ऑलरेडी आधे पर है। तो अगर यहाँ पे स्प्लिट कर दिया तो आप सोच ही सकते हो कि कहाँ तक जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ये देखो कि बोनस भी अगर दे दिया तो भी शेयर के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली इन दोनों सिनेरियो के चांसेस बहुत कम है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, डिविडेंड के भी विप्रो की तरफ से चांसेस कम ही निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इन्फोसिस में थोड़े से चांसेस हैं डिविडेंड के, लेकिन इसमें आपको वो भी कम नज़र आते हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको जो चार्ट के बारे में बात कर रहा था वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक तरफ आपको करेक्शन का डेटा देखने को मिल रहा है और एक तरफ आपको रिकवरी का डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करेक्शन में आप देख पाओगे कि कब कब कितने कितने पॉइंट का जो करेक्शन है वो देखने को मिला है, और उस करेक्शन के बाद जो रिकवरी है वो कब कब देखने को मिली है, कितने टाइम फ्रेम के बाद देखने को मिली है। तो इस चार्ट का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो यहाँ पे जो सिनेरियो निकल के आता है वो ये है कि आने वाले 6 से 7 महीने में हम एक अच्छी रिकवरी यानी कि पुराने लेवल की रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम नज़र आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि US में भी सिनेरियो बहुत ख़राब है, और अगर आप UK का भी देखोगे तो वहाँ भी सिनेरियो बहुत ख़राब है। हर जगह इन्फ्लेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी इंस्टेंट रिकवरी के चांसेस कम हैं। तो मैंने आपको हमेशा से यही सलाह दी है कि ऐसे मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और एक वेल्दी क्रिएशन आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हो। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।